बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 विच इज सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड लॉ। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि आपकी बुक के इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों याद रखें हम सिर्फ एक बुक को कवर नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम इंटर कंप्यूटर साइंस की बुक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि बुक्स के अंदर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई तब्दीली हो, डिफरेंसेस हो, तो उन तमाम चीजों को और साथ के साथ कि हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे उसकी डिटेल हम इस किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर बना लेते हैं और उसके अंदर आपको उसकी डिटेल्स दे देते हैं। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये तमाम आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी से मुताल्लिक है, यानी आप किस तरह अपने कंप्यूटर को वायरसेस से, अनऑथराइज्ड यूजर्स से बचा सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपको मैसेज आ रहे होते हैं कि भाई आपकी मेमोरी फुल हो गई है, जबकि आपने इतना कोई डाटा अपने कंप्यूटर में डाला भी नहीं होता। इसी तरीके से पॉपअप एड्स आ रहे होते हैं तरह तरह के आपकी मेमोरी जो है वो फुल हो गई है, या फिर आपके कंप्यूटर में वायरसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो ये तमाम चीजें होती क्या हैं, ये दरअसल वायरसेस होते हैं या आपके कंप्यूटर में आते कैसे हैं, तो ये तमाम चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा वायरस एंड कॉजेज ऑफ वायरस, यानी वायरस होता क्या है और वो कौन कौन से जराए होते हैं जिनके जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकता है। इसके बाद हम वायरस की इकसाम देखेंगे। दोस्तों तरह तरह की वायरस की इकसाम होती है, जैसे ट्रोजन, वॉर्म्स, फाइल इन्फेक्टर्स, मैक्रो वायरसेस। तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में हर रोज सैकड़ों वायरसेस तैयार हो रहे होते हैं, सैकड़ों कंप्यूटर वायरसेस तैयार हो रहे होते हैं। तो उन तमाम वायरस की इकसाम को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सेफ्टी अगेंस्ट वायरस, यानी आपके कंप्यूटर में वायरस तो आ गया है, अब आपके पास वो कौन कौन से जराए हैं जिनके जरिए अपने कंप्यूटर को आप उन वायरसेस से बचा सकते हैं, जिसमें हम एंटीवायरस को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोग भी इस नाम से पहले भी वाकिफ होंगे, यानी जब भी आप कंप्यूटर लेते हैं तो आपको कोई ना कोई रिकमेंड करता है कि भाई आप इसका एंटीवायरस ले लें। तो वो एंटीवायरस क्या होता है इसकी डिटेल हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेटा सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी वायलेशन। दोस्तों इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की डिटेल्स देखेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। दोस्तों डेटा सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी दो अलग अलग टर्म्स हैं, यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर हम पासवर्ड्स, फायरवॉल, इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह की डिटेल्स देखेंगे, यानी किस तरह आप अपने कंप्यूटर को महफूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेटा प्राइवेसी एंड प्राइवेसी इश्यूज। और इसके बाद जो कि डेटा प्राइवेसी एंड प्राइवेसी इश्यूज में हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल पर्सन का डेटा, कि आज आप देख रहे हैं कि हर चीज ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जा रही है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, चाहे हमारे बैंक हो, अकाउंट्स हो, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, तो वो तमाम चीजें डेटा होती है। तो उस डेटा को किस तरह हम प्राइवेट रख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो तमाम डिटेल्स हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड लॉ, दोस्तों यानी आपके कंप्यूटर में जो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको अगर कोई कॉपी करके अपने नाम से बेच रहा है तो इसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट ने और इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, उनकी डिटेल्स देखेंगे। और आखिर में इम्पोर्टेंट प्राइवेसी लॉज या फिर इम्पोर्टेंट प्राइवेसी एक्ट के टॉपिक के अंदर आपके कंप्यूटर और डेटा की जितनी भी सिक्योरिटी के लिए कानून बनाए गए हैं उनकी डिटेल्स देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये तमाम टॉपिक्स हम आपके बुक के इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर कवर करेंगे। अब आइए देखते हैं कि आपकी बुक में और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर टॉपिक्स के दरमियान जो जो डिफरेंसेस है उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वायरस एंड कॉजेज ऑफ वायरस, डेटा सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी वायलेशन और इम्पोर्टेंट प्राइवेसी लॉस या फिर इम्पोर्टेंट प्राइवेसी एक्ट्स, ये तीन जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड लॉ, और ये जो दो टॉपिक्स हैं ये पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है,
लेकिन सेम टेक्स्ट बुक के अंदर ये दोनों टॉपिक्स मौजूद हैं। तो दोस्तों ये था आपके इस ICS पार्ट 1 की बुक के चैप्टर नंबर 6 के डिफरेंसेस के टॉपिक्स के दरमियान जो जो डिफरेंसेस थे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड लॉ सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स बुक के अंदर मौजूद है, जबकि वायरस, कॉजेज ऑफ वायरस, डेटा सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी वायोलेशन, इंपॉर्टेंट प्राइवेसी एक्ट वगैरह के जो टॉपिक्स हैं, ये वाले टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था ओवरव्यू आपकी बुक के चैप्टर नंबर 6 का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकायदा आपकी बुक के इस चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ के टॉपिक नंबर 1 वायरस और कॉसेस ऑफ वायरस की डिटेल देखेंगे, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि भाई ये वायरस का नाम जो आप बहुत दफा कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए सुनते हैं कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, यहाँ से आ गया, तो इन तमाम चीजों की डिटेल देखेंगे कि वायरस आखिर होता क्या है, और ये भी देखेंगे कि वायरस को लाने की क्या क्या वजूहात होती हैं, वो कौन कौन से जराए होते हैं जिनकी वजह से वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसके लिए आप भरपूर तैयार रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।